पिलर नंबर 2063 है, ये इसके इस हिस्से में बांग्लादेश है और इधर भारत है। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो दो भाई बांग्लादेश में चले गए और दो भाई इंडिया में पड़ गए। एप्लीकेशन करना पड़ता है पहले से, जब भैया हमारा घर में पार्टी है उसके लिए थोड़ा आपको मदद चाहिए, हमारा थोड़ा मेहमान है उधर भी इधर भी। इसमें अगर आप ये देखें तो दो खिड़कियां यहां पर आमने सामने हैं और अगर स्मगलिंग करना है तो बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। गांजे को यहां पर पैदा किया जा रहा है, ये प्लांट्स हैं और इसको स्मगलिंग किया जाएगा जब ये तैयार हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। त्रिपुरा में 18 तारीख को वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले जी न्यूज इन तीनों राज्यों से ऐसी तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है जो बड़े बड़े विकास के दावों के पीछे की हकीकत आप तक पहुंचा रही है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इस सीमा पर एक ऐसी जगह है, इनफैक्ट कई ऐसी जगह है जहां अब तक फेंसिंग नहीं की गई है। ऐसे घर हैं जिनके आंगन में एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जिसका फायदा अक्सर अपराधी, आतंकी और तस्कर उठाते हैं। त्रिपुरा में सबसे बड़ी समस्या गांजे की खेती की है और इससे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा त्रिपुरा के अलग अलग सिंडिकेट्स तक जाता है। रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त त्रिपुरा के सिपाही जिला में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का। देश बटे तो घर, तालाब, मस्जिद और यहां तक कि आंगन का भी बंटवारा हो गया। त्रिपुरा के कलमचेरा जिले का यह है नगर गांव, जहां बंटवारे के बाद घर का आंगन तक तकसीम हो गया। एक मां के चार बेटे, दो हिंदुस्तानी हो गए, दो बांग्लादेशी। हम त्रिपुरा के सिपाही जिला में हैं और जिस जगह हम खड़े हैं ये बॉर्डर का एरिया है, यानी बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है। 1971 में जिस तरीके से युद्ध लड़ा गया और उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ, उस दौरान भारत और बांग्लादेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक ही गांव, एक ही परिवार या तो बांग्लादेश में चले गए या फिर भारत में आ गए। यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पिलर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि कौन सा हिस्सा भारत में है और कौन सा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। अगर आप ये पिलर देखें तो ये पिलर नंबर 2063 है, ये इसके इस हिस्से में बांग्लादेश है और इधर भारत है। घर के दलान में ये पिलर भारत और बांग्लादेश की सीमा है, जिसके जरिए ये पता चलता है कि किस तरफ बांग्लादेश है और किस तरफ भारत। इस घर में आंगन एक ही है, लेकिन दो भाई बांग्लादेश में रहते हैं और दो भाई भारत में, और इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। घर में अगर शादी हो तो चारों भाइयों के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा होना आसान नहीं है, इसके लिए बकायदा सरकार से परमिशन लेनी होती है। नहीं, जो हमारा जो पार्टी शादी का जो प्रॉब्लम है यार, एक घर में जब फंक्शन होता है उस टाइम में चाहे BSF और चाहे BJP जो हो, एप्लीकेशन करना पड़ता है पहले से, जब भैया हमारा घर में पार्टी है उसके लिए थोड़ा आपको मदद चाहिए, हमारा थोड़ा मेहमान है उधर भी इधर भी। हम पहले एक था, अभी दो डिवाइड हो गया, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी वो पोस्ट कमांडर के साथ वो एप्लीकेशन देना पड़ता है। जब भी आपस में कुछ बातचीत करनी होती है, पिलर के नजदीक चारों भाई ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। तो प्रॉब्लम को भी होता है जो इधर से उधर जाता है, ये बंदा का मैक्सिमम आइडेंटिफिकेशन तो इंडिया वाला ही, बांग्लादेश जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, बांग्लादेश उन्हीं जाता है, इधर उधर ही सब कुछ करता है। तो अभी तो आज से 30-35 साल पहले वो जो BSF का ड्यूटी मैक्सिमम है उधर ही भी था, उसी टाइम पे मिलने जुलने के लिए तेमन दिक्कत नहीं था, अभी बहुत दिक्कत हो गया। सिर्फ इंसानों के घर ही नहीं बटे,
अल्लाह का घर भी बंट गया। गांव में एक मस्जिद हुआ करती थी जहां गांव के सभी लोग एक साथ नमाज अदा करते थे। लेकिन जब गांव दो देशों में बटे तो दो मस्जिदें भी बन गईं। बांग्लादेश की अपनी मस्जिद है, भारत के इस गांव की अपनी। कहते हैं पानी की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन त्रिपुरा के इस गांव में तालाब भी आधा आधा है। ये डिवीजन के कारण बहुत साइड पे डिवीजन हो गया, लेकिन जब हम लोग मछलियाँ यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मछलियाँ यहाँ पर करते हैं, तब पकड़ने के लिए बहुत साइड से परमिशन लेना पड़ता है। इस पर तो परमिशन, विदाउट परमिशन हम यहाँ से मछलियाँ भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू और भी है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है और इन सीमाओं पर कई ऐसी जगहें भी हैं जहां अब तक फेंसिंग नहीं की गई है, और इसका फायदा यहां अपराधी, आतंकी और स्मगलर उठाते हैं। त्रिपुरा के भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कई ऐसे घर हैं जहां से स्मगलिंग को रोकना बेहद मुश्किल होता है। इस गांव में देखें अगर तो ये गली है भारत और बांग्लादेश के, ये बांटती है, और एक तरफ देखें तो यहाँ घर है, दूसरी तरफ दूसरा है, और आमने सामने खिड़कियाँ खुली हुई हैं, और कई बार इन खिड़कियों के जरिए स्मगलिंग होती है। इस सीमा को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ के जरिए ही स्मगलिंग हो सकती है। कई बार इसमें खाने पीने की चीज़ों की होती है, कई बार ऐसे बॉर्डर्स को आतंकी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।